रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे छात्र शिमला पहुंचे। बच्चों की स्वदेश वापसी से अभिभावक भावुक दिखे। अभिभावकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया और अन्य फंसे हुए लोगों की वापसी का भी केंद्र सरकार से रास्ता निकालने का आग्रह किया। बीती शाम दो विशेष विमान से दिल्ली और मुंबई पहुंचे लोगों में 32 हिमाचली लोग भी देश सुरक्षित पहुंच गए हैं। शिमला पहुंचे यूक्रेन में MBBS करने गए छात्रों ने बताया कि यूक्रेन में हालात काफी खराब हैं, खासकर यूक्रेन की राजधानी कीव और ईस्टर्न रीजन में काफी बमबारी हो रही है। छात्राओं का कहना है कि वे वेस्टर्न रीजन में थे, जिस वजह से उनको वहां से भारत पहुंचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ईस्टर्न रीजन में हालात काफी क्रिटिकल हैं। तो कुछ होता इतनी ज्यादा चिंता हुई, जब बाहर तो पता है बाहर कितना डिस्ट्रक्टिव है, जिसमें कोई पता ही नहीं कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है, कि तो बहुत ज्यादा चिंता हमें थी। पर साइड बाय साइड हमें अपनी भारत सरकार और अपने हिमाचल सरकार पर पूरा विश्वास था कि इवैक्यूएट कर लेंगे प्रॉपरली, से बच्चे हमारे पास पहुंच जाएंगे। एंड वी आर थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट HP स्टेट गवर्नमेंट दैट दे हैव इवैक्यूएटेड मैक्सिमम चिल्ड्रन सेफली। इनको जो बाकी है, और रिक्वेस्ट करती हूँ HP गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उनको भी जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें वहां से। हाँ, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट पैनिक कर जाते जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो, बट हम लोग वेस्टर्न रीजन में तो हमने कोई ऐसी आवाजें नहीं सुनी जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा पैनिक करते, बट ईस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा हड़बड़ी और काइंड ऑफ क्योज क्रिएट हो गया इन सब चीजों से। सर, मैं MBBS कर रही हूँ, मैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरे उसके बाद 2 years और रहे हुए हैं, तो अभी पढ़ाई का तो कुछ नहीं पता फिलहाल, बस ये कि अभी हम लोग सेफ वापस आ गए हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी? मेरा नाम कशिश शर्मा है, मैं बुकवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से हूँ। सर, चेन्नई से बिल्कुल वेस्टर्न रीजन में है, तो वहाँ पे ऐसा कोई क्योज नहीं था, हमने कोई बम्बारिंग की साउंड नहीं सुनी, हमने कोई और ऐसे ब्लास्ट वगैरह नहीं देखे, वो सब कुछ ईस्टर्न रीजन में हो रहा है, इसलिए वहाँ पे पैनिक और क्योज बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहाँ के बच्चे इस टाइम इतने ज्यादा सहमे हुए भी है। हमारी साइड इतना नहीं था, बट स्टिल वी वर द फर्स्ट टू बी इवैक्यूएटेड, क्योंकि वहाँ पे हम सब ज्यादा सेफली इस टाइम इवैक्यूएट हो सकते थे। और कंडीशंस वहाँ पे भी कीव खार्किव में इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे कंपार्टमेंट बना रखे हैं वहाँ रहना पड़ रहा है, जितने भी सेफ प्लेसेस हैं उनको वही कहा गया है कि वहाँ पे वो लोग रहे जब तक एम्बेसी से कोई नोटिस नहीं आता या फिर उनको इवैक्यूएशन का प्लान नहीं बताया जाता। सर, इंडियंस वहाँ बहुत है, यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस आ देयर। रही बात इवैक्यूएशन की, तो हमारी एम्बेसी यूक्रेन और यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज एम्बेसी इज। सर, वहाँ ओवरऑल तो बहुत डर का माहौल है, क्योंकि हम वेस्ट पार्ट में हैं, तो हमारी कोई बॉम्बिंग अभी तक नहीं हुई है, पर हमारी सिटी से बहुत नज़दीक एक सिटी है इमानो, जहाँ पे बॉम्बिंग हो गई है, तो ऑलरेडी डर का माहौल बहुत बना है, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि जितने बच्चे वापस हैं वो इवैक्यूएट कर दें। सर, ऐसे कोई मेरे पास डिजिट तो रही है, पर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास वहाँ पे इंडिया के बच्चे होंगे। सर, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है में, वो हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं, हमारे बसेस के इंडियन फ्लैग्स लगाए गए हैं ताकि हम पे कोई अटैक ना करे, ताकि हमें रोके ना, और इस तरीके से जो भी हमारे बॉर्डर लाइन सिटीज और कंट्रीज है वहाँ से हमें फ्री एक्टिवेट किया जा रहा है, और एयर इंडिया हमें पिक करने आएंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सेफ फील हो रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स जो वहाँ हैं उनकी बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए है। सर, हमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई है, हमें हर जगह पर, हमें बॉर्डर से लेके यहाँ दिल्ली उतरने तक लोगों को हर जगह पर फूड प्रोवाइड किया गया, पानी प्रोवाइड किया गया, और यहाँ तक कि बॉर्डर पर भी ऑलरेडी वहाँ शेल्टर्स लगाए गए थे फूड के लिए, वाटर के लिए, और जब हम वहाँ थे तो हमें ऑलरेडी बोल दिया गया था कि हम 10 to 15 days का फूड और पानी स्टॉक कर लेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।